एक बार जब दक्ष प्रजापति का सिर कट गया, अग्नि में गिर गया, अग्नि में शीस गिरा, अब देवता कह रहे हैं कि इनको जीवित करो। शंकर जी बोले कोई जीवित हो, अग्नि में सिर गिर गया, अब कहाँ से जीवित होगा, तो इसको बकरे का मुंह लगा दो। तो अपने ससुर को बकरे का मुंह लगा दिया। अब बकरा कोई हिंदी बोले कि अंग्रेजी बोले? अब इंदौर का भी बकरा नहीं था कि मालवा बोल ले, मालवा तो वो कहीं ना हिंदी बोले ना अंग्रेजी बोले ना मालवी बोले। अब बकरा तो कैसे बोले? अब बकरा बब्बा बब्बा करे। शंकर भगवान इतने खुश, इतने खुश। भगवान विष्णु ने पूछा तुम इतने खुश कभी नहीं दिखे, आज पहली बार इतने खुश कैसे दिख रहे? शंकर भगवान बोले मेरा ससुर कितनी जोरदार स्तुति कर रहा है, इससे जोरदार कोई स्तुति कर ही नहीं सकता। तो क्या ये बब्बा बब्बा कर रहा बकरा है, ऐसा तो बोले कहीं सारी। तो भगवान विष्णु वाले भले कुछ भी बोल रहा है पर मुझे तो लग रहा है कि मेरी स्तुति कर रहा है। शंकर जी ने कह दिया मेरे मंदिर में आकर जो भी बम 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 बोलेगा मैं समझ जाऊंगा मेरा ससुरा किया। और जितनी माताएं मंदिर में जाके बम बम बोलती हैं शंकर जी समझ जाते सास भी आई है। तो तुम चिंता मत करो, तुम तो बम बम बोले।